Vayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार स्वयं प्रभा में आपका स्वागत है मेरा नाम डॉक्टर सुमिति आहूजा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सहायक प्राध्यापक हूँ आज मैं संविदा विधि के चौथे व्याख्यान को लेकर आपके सामने आई हूँ जिसका शीर्षक है प्रतिफल प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन इस व्याख्यान में हम निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे पहला भारतीय संविदा अधिनियम अठारह के तहत प्रतिफल की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रतिफल के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन वैध प्रतिफल यानी कि लॉफुल कंसिडरेशन प्रतिफल के अपवाद एक्सेप्शन की गोपनीयता यानी कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन और इसके अपवाद यानी कि किटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेप्शन सबसे आपको बताना चाहूंगी कि जो धारा दो यानी कि सेक्शन टू है भारतीय संविदा अधिनियम में उसके सेक्शन टू डी क्लॉज डी में कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल की डेफिनेशन दी हुई है उस डेफिनेशन को अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि एक शब्द और उसकी डेफिनेशन चार चार लाइनों में सीधी चार लाइनों में यानी कि बहुत ही लंबी डेफिनेशन है तो जब भी हम ये टॉपिक अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं हमेशा एक चीज बोलते हैं वो ये है कि इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ने में कभी समझ नहीं आएगी आपको हमेशा उस डेफिनेशन को कुछ टुकड़ों में बांट कर ही पढ़ना होगा और समझना होगा और वही चीज आज हम भी करेंगे सबसे पहले इससे पहले कि हम सेक्शन टू डी और अन्य धाराओं को समझे उससे पहले सब हमें ये जानना जरूरी है कि प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन का जनरल मीनिंग या अर्थ क्या होता है सरल शब्दों में बोला जाए तो कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल का मतलब है बदले में कुछ यानी कि किसी ने आपको प्रॉमिस किया तो उसके रिटर्न में आप भी उसको कुछ प्रॉमिस करते हो आप भी उसको कुछ देते हो उसे कंसिडरेशन कहते हैं मैंने पिछले अपने एक व्याख्यान में आपको ये बताया था एक उदाहरण के तौर पर कि जैसे आप अपनी गाड़ी किसी को बेचना चाहते हो आप उसको ये प्रस्ताव रखते हो आप उसके सामने कि आप अपनी गाड़ी उसको एक लाख रुपए में बेचना चाहते हो तो आपकी तरफ से आपकी गाड़ी उसके लिए प्रतिफल है यानी कि उसके लिए कंसिडरेशन जो है वो आपकी गाड़ी है जो आप उसको बेच रहे हैं और आपके लिए आपके लिए प्रतिफल या कंसिडरेशन है वो एक लाख रुपए जो उस गाड़ी के बदले में वो आपको देगा तो ये होता है बदले में कुछ लैटिन में इसको क्विड प्रूओ कू कहते हैं जिसका मतलब ये है बदले में कुछ किसी के प्रॉमिस के बदले में आप उसको प्रॉमिस करते हैं प्रतिफल एक कानूनी शब्द है यानी कि एक लीगल टर्म है कंसिडरेशन जो उन लाभों को संदर्भित करता है जो प्रत्येक अनुबंध पार्टी को प्राप्त होते हैं यानी कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट जब दो पार्टी करती हैं आपस में ज़्यादातर तो यही होता है कि एक पार्टी दोनों पार्टी को कुछ न कुछ लाभ हो पर हाँ कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स रहते हैं जहाँ पे एक को घाटा हो रहा है दूसरे को काफ़ी मुनाफा तो इस तरह का भी चलता है पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही पार्टी को कुछ ना कुछ दोनों ही व्यक्तियों को कुछ ना कुछ प्राप्त होता ही है चाहे पैसा हो और कंसिडरेशन जब हम बोलते हैं प्रतिफल जब हम बोलते हैं जरूरी नहीं वो पैसा ही है आप किसी के लिए कोई काम करते हैं उसके बदले में आपको पैसा मिलता है जैसे कि इंप्लॉयर एम्प्लॉय आप किसी की फैक्ट्री में किसी के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ठीक तो आप जो काम आप उसके लिए कर रहे हैं वो आपके आपके द्वारा दिया गया प्रतिफल है उसके लिए वो उसके लिए कंसिडरेशन है जिसके बदले में वो आपको आपकी सैलरी देते हैं। यह आमतौर पर उत्पादों या सेवाओं के बदले में भुगतान होता है यानी कि जैसा मैंने आपको बताया या आप किसी को कोई चीज बेच रहे हैं या आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं, कोई सर्विस उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपकी तरफ से वो गुड्स या वो सामान जो आपने उसको दिया या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करी वो आपकी तरफ से दिया गया कंसिडरेशन उसकी तरफ से दिया गया पैसा प्रतिफल पैसा होना जरूरी नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया यह कुछ भी मूल्य का हो सकता है जो आपको अनुबंध के हिस्से के रूप में प्राप्त होता है जैसे उपकरण या काम कानून की नजर में प्रतिफल का कुछ मूल्य होना चाहिए अर्थात यह वास्तविक होना चाहिए और भ्राम, भ्रामक यानी कि नहीं होना चाहिए जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं या प्रतिफल की बात करते हैं दो पॉइंट्स मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी जो बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानना सबसे पहला जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं मैंने आपको बताया ये जरूर है कि पैसे जरूरी नहीं कंसिडरेशन या प्रतिफल पैसे हो सर्विस भी आप किसी को देते हैं वो भी कंसिडरेशन है सामान किसी को बेचते हैं वो सामान भी कंसिडरेशन है पर उससे हमें ये पता चलता है कि जो कंसिडरेशन है या प्रतिफल है वो रियल होना चाहिए मतलब कानून की नजरों में उसका कुछ मूल्य होना चाहिए आप किसी को ये वादा करें कि आप उसके लिए सितारे तोड़ लाएंगे चांद तोड़ लाएंगे ये कोई कंसिडरेशन नहीं है इसका इसका कानून की नज़रों में कोई मूल्य नहीं है जैसा कि आपने यहाँ देखा वास्तविक होना चाहिए इल्यूजरी नहीं होना चाहिए ये चांद तारे ये सब ले आऊंगा दिस इज ऑल इल्यूजरी इसका कोई कानून में मूल्य नहीं है और एक बहुत और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके समक्ष रखूंगी प्रतिफल की पर्याप्तता यानी कि एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन एक आवश्यक कानून एक आवश्यक चीज नहीं है या मैं अगर ये बोलूं कि अनिवार्य नहीं है जब आप प्रतिफल की बात करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका मूल्य जो है ज्यादा हो कम हो जो भी हो वो आप तय कर सकते हैं मेरी गाड़ी मैं किसी को एक लाख में बेचू दो लाख में बेचू जित हजार रुपए में बेचू कितने में भी बेचू वो मेरी मर्जी है कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे इतने में ही बेचनी है हमने अपने पहले प्रथम व्याख्यान में पढ़ा था फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसमें हमने ये चीज समझी थी कि फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि दोनों पार्टी दोनों व्यक्ति अपनी मर्जी से सूझबूझ से सही क्या गलत क्या सब कुछ जांचते परखते हुए निर्णय लेते हैं कि वो उस अनुबंध में बंधना चाहते हैं या नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या नहीं तो वही चीज है अगर मैं किसी को कुछ बेचना चाह रही हूँ ये भी सोचिए कि मैं ये मुल्क छोड़ के जाना चाहती हूँ देश छोड़ के मैं जाना चाह रही हूँ दूसरे देश मैं शिफ्ट हो रही हूँ मुझे अपना सामान बेचना है अब उस टाइम में मैं इतना नहीं मोल भाव करूँगी कि नहीं ये तो मैं इतने में ही बेचूंगी हो सकता है मुझे कम में भी बेचनी पड़े चीज तो चीज ध्यान रखिए कि हाँ जब अनुबंध होता है दो व्यक्तियों के बीच में तो प्रतिफल का होना जरूरी है दोनों पक्षों की तरफ से पर वो प्रतिफल जरूरी नहीं है कि जितना काम सामने वाले ने आपके लिए किया उतना ही आपको उसका पैसा देना या आपने कोई चीज बेची तो इतने ही मूल्य में बेचनी है ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आप अपनी मर्जी से सूझबूझ के निर्णय लेकर डिसाइड कर सकते हो निर्णय ले सकते हो कि कितने दाम में आप वो चीज बेचोगे या जो सर्विस आपको सामने वाला दे रहा है उसका आपको कितना जो फीस है है। वो देनी है। पर हाँ इससे पहले हम आगे बढ़े एक चीज में आपको और बताऊंगी वो ये है कि हाँ हम कहते तो है कि जरूरी नहीं है कि प्रतिफल जो है वो पर्याप्त ही हो एडिकुसी ऑफ कंसिडरेशन रूल नहीं है पर आप खुद सोचो कि अगर मेरी चीज़ जिसकी जिसका जो आ, मोल है मेरी प्रॉपर्टी हो गई कोई ज़मीन हो गई जो समझिए अगर पांच लाख समझ लीजिए पांच लाख की है मैं वो किसी को पचास हज़ार में बेच दूं और फिर उसके बाद में मैं कोर्ट जाऊं और मैं ये बोलूं कि मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती की गई मुझे धमकी दी गई उस वजह से मैंने अपनी पांच लाख की जो चीज़ है जमीन है उसे पचास हजार में देने का वादा किया है तो मुझे इस अनुबंध में बंद के नहीं रहना ये मेरी मर्जी से मैंने नई निर्णय लिया है मुझे ज़बरदस्ती की गई है तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी स्थिति में कोर्ट के दिमाग में ये आशंका आती है कि हाँ हो सकता है कि इस इंसान का कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है यानी कि उसने अपनी मर्जी से हाँ नहीं बोली हाँ करवाई गई है ये एक शक कोर्ट के दिमाग में आ जाता है पर शक के बिना पे कोर्ट अपना निर्णय नहीं लेते एविडेंस का होना बहुत जरूरी है पर हाँ ये एक देखिए हम कोर्ट में जब कोई केस लेके जाते हैं तो जो भी वाद विवाद होता है कोर्ट में और जो भी एविडेंस या साक्ष्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हीं के ही बेसिस पे कोर्ट निर्णय लेता है अब मैं कोर्ट में जाके बस बोल दूं कि नहीं मेरी मर्जी नहीं थी तो कोर्ट मेरे पक्ष में निर्णय नहीं लेगा कोर्ट बोलेगा ठीक है पर यहाँ पे तो आपके बीच में अनुबंध हुआ है अब आप ये कह रहे हो कि आपकी मर्जी नहीं थी अब आपके ऊपर है बर्डन आप प्रूव करो कि मर्जी नहीं थी हाँ एक दिमाग में तो कोर्ट के आएगा कि हाँ ये हो सकता है पर उसको प्रूव करना भी जरूरी है एक जूरिस्ट है और एक बहुत बड़े स्कॉलर है संविदा में कॉन्ट्रैक्ट में जिनका नाम है पोलक उन्होंने कंसिडरेशन को यानी कि प्रतिफल को एक डेफिनेशन दी है देखते हैं क्या कहते हैं वे वे कहते हैं कि प्रतिफल वह मूल्य है इसके लिए दूसरे का वादा खरीदा जाता है मतलब जब हम कहते हैं कंसिडरेशन यानी कि इट इज प्राइज फॉर सम्स प्रॉमिस यानी कि वो किसी के वादा जो आपको कोई वादा कर रहा है उस वादे के बदले में जो आप उसको मूल्य दे रहे हैं उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं और इस प्रकार मूल्य के लिए दिया गया वादा लागू करने योग्य होता है यानी कि एनफोर्सेबल होता है आपने मुझे एक वादा किया था बदले में मैंने भी आपको वादा किया मैंने अपना वादा पूरा किया आपने नहीं किया क्या मैं कोर्ट जा सकती हूँ जा तो सकती हूँ पर और भी बहुत चीजें हैं जो देखनी होती हैं सबसे पहला लॉफुल कंसिडरेशन जो हम अभी आगे देखेंगे यानी कि वैध प्रतिफल मतलब हाँ हमने वादा जरूर किया था पर क्या वो वादा कानून के दायरे में आता है मैंने आप आप शार्प शूटर हैं मैंने आपको पैसे दे के बोला कि इस आदमी से मेरी दुश्मनी है आप इसे जाके मार दीजिए मैं आपको बदले में दस लाख दूंगी तो आपने मार दिया मैंने पैसे देने से मना किया तो क्या आप मुझे कोर्ट लेके जा सकते हैं इसका जवाब है नहीं क्यों क्योंकि आप जाके कोर्ट में क्या बोलेंगे ये बोलेंगे कि मैं इसने मुझे मारने के लिए बोला था मैंने मार दिया अब इसने पैसे देने से मना किया है इसका जवाब है नहीं बोल सकते क्योंकि हर व्याख्यान में मैं एक चीज बार बार से आपको याद दिला रही हूँ वो ये है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है हाँ दोनों पार्टियाँ दोनों पक्षों जो हैं वो मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि क्या वादे करते हैं वो एक दूसरे से वो ड्यूटी जो होगी दोनों की एक दूसरे के प्रति वो क्या होगी वो दोनों ही मिलकर डिसाइड करते हैं पर वो कानून के दायरे में रहकर ही डिसाइड करनी होती है आप जो चीज जैसे हमने अपने तीसरे व्याख्यान में जब पढ़ा था रिवोकेशन के ऊपर विड्रॉल ऑफ बिड या विड्रॉल ऑफ टेंडर के ऊपर तो मैंने आपको फिर वही चीज बोली थी कि जब कानून से अधिकार मिला हुआ है मुझे कि मेरा टेंडर या मेरा ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले मैं उसे रिवोक कर सकती हूँ वापस ले सकती हूँ तो क्या सामने वाला मुझे रोक सकता है वो करने से इसका जवाब है नहीं क्यों क्योंकि कानून के ऊपर कोई नहीं आप और मैं भी नहीं अगर कानून में वो बोला है हमें वो मानना है हम उसके खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं ले सकते कोई ड्यूटी या कोई वादे से एक दूसरे को नहीं बांध सकते अब हम आते हैं भारतीय संविधान अधिनियम के तहत प्रतिफल की परिभाषा पे यानी कि जो डेफिनेशन प्रतिफल की धारा दो डी के तहत दी गई है यानी कि सेक्शन टू डी टू क्लॉज डी में दी गई है अब हम समझेंगे कि वो क्या कहती है कि हमारे लॉ में जो प्रतिफल है या कंसिडरेशन है उसकी क्या परिभाषा है मैंने अब तक जो आपको बताया वो उसका जनरल मीनिंग है सामान्य परिभाषा थी धारा टू डी भारतीय संविदा अधिनियम अठारह परिभाषा के आवश्यक घटक यानी कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कॉम्पोनेंट्स क्या है कंसिडरेशन के भारतीय संविदा अधिनियम के तहत सबसे पहला वचनकर्ता की इच्छा पर यानी कि प्रोमिसर के डिजायर पर प्रोमिसी या कोई अन्य व्यक्ति यानी कि सामने वाला यानी कि दूसरी पार्टी या कोई और थर्ड पार्टी या और तीसरी चीज जो इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बताती हूं प्रतिफल के प्रकार प्रतिफल के प्रकार तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जो प्रतिफल की परिभाषा दी गई है भारतीय संविदा अधिनियम में वो बहुत ही ज्यादा डिटेल बहुत ज्यादा लेंदी है आप उसको एक बार पढ़ेंगे दो बार पढ़ेंगे एकदम से नहीं समझ पाएंगे उसको टुकड़ों में बांट के समझते हैं सबसे पहला वचनकर्ता की इच्छा पर यानी कि प्रॉमिस्सर की डिजायर पर उसी की इच्छा पर ही कंसिडरेशन दिया जा सकता है मतलब आप तभी तो सामने वाले के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना या उसे कोई प्रॉमिस कर सकते हैं जब उसकी भी रजामंदी हो उसमें मैं किसी के ऊपर अपना फैसला थोप नहीं सकती तो प्रतिफल का मतलब ही यही है कि दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे को वादा करते हैं और उस वादे की पूर्ति करते हैं उसे पूरा करते हैं तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी का जब तक उसमें उसकी रजामंदी नहीं है तब तक मैं कंसिडरेशन नहीं दे सकती मतलब जब तक सामने वाला मुझे अपनी गाड़ी बेचने को तैयार ही नहीं है मैं उसको कैसे पैसे दे दूंगी वो बेचना ही नहीं चाहता जब बेचना चाहता है तब पैसे दूंगी तो वो प्रतिफल है जब बेचना ही नहीं चाहता तब मैं अगर पैसे दे भी दू तो वो कंसिडरेशन नहीं है प्रोमिसी या कोई अन्य व्यक्ति इसका मतलब ये है कि हमारा जो भारतीय संविदा अधिनियम है वो ये कहती है कि जो जैसे मैंने गाड़ी बेची आपने पैसे दिए अब ये सोचिए कि मैंने गाड़ी बेची पर पैसे आपकी जगह आपका कोई मित्र मुझे देता है या कोई तीसरा इंसान मुझे दे रहा है उस गाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट जो है अनुबंध जो है वो आपके और मेरे बीच में हुआ है मेरी तरफ से दिया गया वादा मैंने पूरा किया आपकी तरफ से जो दिया गया वादा था वो आपकी बजाय किसी और ने पूरा किया है ठीक तो वही चीज़ है जो यहाँ लिखी हुई है जो आपको कंसिडरेशन की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन में मिलेगी वो वो लिखी है प्रोमिस या कोई अन्य व्यक्ति यानी कि थर्ड पर्सन जिसे हम अजनबी स्ट्रेंजर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच में मेरे और उसके बीच में नहीं पर आपकी जगह उसने मुझे पैसे दिए और मैंने वो स्वीकार किए तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा हुआ तीसरी चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग है वो आपको समझनी पड़ेगी कि जो प्रतिफल है वो तीन प्रकार के होते हैं अतीत यानी कि पास्ट वर्तमान यानी कि प्रेजेंट भविष्य यानी कि फ्यूचर सो so, कंसिडरेशन या प्रतिफल जो है वो तीन प्रकार के हैं जो चला गया पास्ट कंसिडरेशन जिसे हम कहते हैं यानी कि अतीत प्रतिफल दूसरा वर्तमान प्रतिफल यानी कि प्रेजेंट कंसिडरेशन तीसरा है भविष्य प्रतिफल यानी कि फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब कि पास्ट यानी कि एक व्यक्ति ने अपना वादा पहले ही पूरा कर दिया है वर्तमान आप किसी दुकान पर जाते हो आप पैसे देते हो वहीं आप वहीं के वहीं आपको वो सामान मिल जाता है उससे हम कहते हैं वर्तमान प्रतिफल जिसका मतलब यह है कि प्रॉमिस जो है वो वहीं के वहीं आमने सामने ही पूरा हो जाता है साइमल्टेनियसली जिसे आप कहते हैं आमने सामने उसी टाइम पे पूरा हो जाता है आगे पीछे नहीं भविष्य प्रतिफल यानी कि फ्यूचर कंसिडरेशन इसका मतलब ये है मैंने वादा आज किया है पर उसे पूरा मैं एक महीने के बाद कर सकती हूँ आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं एक तरह का रॉ मटेरियल बनाती हूँ जो आपको आपकी फैक्ट्री में जिसकी जरूरत है हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके तहत मैं आपको आज से एक महीने के बाद जितना भी आपने ऑर्डर दिया है मुझे उस रॉ मटेरियल का वो आपको एक महीने के बाद मैं आपको डिलीवर करूंगी फिर ये डिसाइड हुआ है कि जब वो डिलीवर होगा तो उसके हफ्ते के बाद आप मुझे उसके पैसे देंगे तो ये फ्यूचर कंसिडरेशन है हम वादा आज कर रहे हैं एक दूसरे को पर उसको पूरा हम दोनों ही बाद में आगे करने वाले हैं प्रतिफल के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन थोड़ा डिटेल में समझते हैं पिछला प्रतिफल अनुबंध के गठन से पहले किया गया वादा या आचरण उसका मतलब ये है कि आप आज आपके आपने किसी के लिए पहले ही कुछ कर दिया है और अब आज आप दूसरा व्यक्ति दूसरी साइड दूसरा पक्ष अपना वादा पूरा करता है उसके लिए कंसिडरेशन क्या था उसके लिए कंसिडरेशन आपका पुराना पहले वादा जो पूरा किया गया है वो है जिसे हम पिछला प्रतिफल कहते हैं क्योंकि वो हो चुका है राइट right. अब वर्तमान प्रतिफल सबसे इजी सबसे ज्यादा इजी एग्जांपल उदाहरण मैंने आपको दिया था कि आप दुकान से जाके कुछ खरीदें जहाँ पे एक ही समय पर दोनों व्यक्ति अपना अपना वादा पूरा करते हैं एक ने सामान दिया दूसरे ने वही के वही पैसे दे दिए उसी वक्त सेम टाइम पे जिसे कहते हैं दोनों ही पक्ष दोनों ही व्यक्ति दोनों पार्टी अपना अपना दिया गया वादा पूरा करें उसको हम कहते हैं वर्तमान प्रतिफल यानी कि प्रेजेंट कंसिडरेशन यदि वादा और प्रतिफल एक साथ होता है तो यह वर्तमान या निष्पादित प्रतिफल है तीसरा भविष्य प्रतिफल इसका एग्जाम्पल इसका उदाहरण मैंने आपको अभी अभी दिया था रॉ मटेरियल वाला कि आपने एक कंपनी के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आप एक महीने के बाद उसको रॉ मटेरियल देने वाले हैं और वो आपको उस एक महीने के बाद जब आप मटेरियल देंगे उसके एक हफ्ते बाद पैसा देगा तो वो सब फ्यूचर कंसिडरेशन आज हम वादा कर रहे हैं निभाएंगे उसको आगे निष्पादन प्रतिफल के रूप में संदर्भित एक वादे के बदले में किए गए वादे के होते हैं जहां दोनों वादे अभी भी किए जाने हैं अभी भी पूर्ण किए जाने हैं वादे तो कर दिए गए पर पूरे नहीं हुए प्रतिफल की गोपनीयता गोपनीयता से हमारा मतलब है प्रिविटी गोपनीयता प्रिविटी, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन की यानी कि प्रतिफल की गोपनीयता की मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि सोचिए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रही हूँ सामने वाला व्यक्ति मुझसे वादा करता है मेरे साथ एक अनुबंध में बंधता है जिसके अंतर्गत उसने मुझे वादा किया है कि वो मेरी प्रॉपर्टी मुझसे खरीदेगा एक अमाउंट में कुछ पैसा देकर वो जो भी हमारे बीच में तय हुआ अब जब वादा पूरा करने का टाइम आया है समय आया है तब उस व्यक्ति के पास उतने पैसे नहीं है कि वो अपना वादा पूरा कर सके पर वो अनुबंध में बंधा हुआ है और ऐसा नहीं है कि कुछ बैंक करप्ट है या ऐसा कुछ नहीं पर वो उस समय उतने पैसों का नई अरेंजमेंट कर पाया तो उसने अपने किसी मित्र से या अपने किसी जानकार से मदद मांगी या जो भी और उसने मुझे वो पैसे दिए अब मैंने वो पैसे एक्सेप्ट कर लिए कर लिए स्वीकार क्योंकि इंडिया में हिंदुस्तान में हमारे भारत में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन जो है भारत में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं मान्य है यानी कि जब हम ये कहते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में जो वादा हुआ है उसमें एक व्यक्ति के बिहाफ पर अगर कोई और पैसे दे देता है या कोई और उसकी पूर्ति कर देता है कंसिडरेशन प्रोवाइड कर देता है तो वो गलत नहीं है वो पूरी तरह से वैध है हमने अभी धारा दो डी के अंदर अंतर्गत ये चीज पढ़ी है ये परिभाषा समझी है कि वहां पर जो प्रिविटी जो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है वो नहीं अप्लाई करती क्यों क्योंकि कोई तीसरा इंसान जो उस अनुबंध में बंधा भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है वो भी कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल प्रोवाइड कर सकता है दे सकता है किसी के बिहाफ पर तो पर जैसा कि आप देख सकते हैं इंग्लिश लॉ के अंतर्गत प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन जो है ना वो मान्य है वो मानते हैं हम नहीं हम भारत में अपने भारतीय संविदा अधिनियम में ये नहीं मानते कि मेरे ब्याह पर मेरे जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति मेरा वादा पूरा करे और सामने जबकि उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया भी नहीं पर मेरे ब्याह पे वो वादा पूरा कर रहा है वो चीज हमारे भारतीय संविधान संविदा अधिनियम में सही मानी जाती है आप देखेंगे यहाँ पर एक आ, केस लिखा हुआ है वेंकट चिन्नैया राव वर्सेज वेंकट रमैया गारू अब चिन्नैया राव वर्सेज वेंकट रमैया गारू इस इस केस को हम चिन्न वर्सेज रमैया चिन्नैया बनाम रमैया भी बोलते हैं अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा कि इस केस में हुआ क्या था इस केस में ये हुआ कि एक महिला थी उन्होंने अपनी बेटी के साथ एक अनुबंध किया और उस अनुबंध के अंतर्गत इन महिला ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम पे कर दी पर एक शर्त थी वो शर्त ये थी कि उन्होंने अपनी बेटी से वादा लिया वो वादा ये था कि आप जो इन इन महिला के यानी कि इस लड़की के जो मम्मी थी माँ थी उनके भाई को वो हर साल एक अमाउंट एक राशि जो है नकद राशि हमेशा दिया करती थी तो उन्होंने अपनी बेटी से ये वादा लिया कि जैसे वो हमेशा उन्हें देती आई है हर साल एक राशि वो अब उनकी बेटी भी देती रहेगी हर साल बेटी ने यह वादा किया और माँ ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो बेटी के नाम पे कर दी जब बेटी को वो प्रॉपर्टी मिल गई तो उसने अपना वादा पूरा करने से मना कर दिया एक चीज मैं आपको और बीच में बताऊं जब ये जब इन दोनों के बीच में यह अनुबंध हुआ जिसके तहत बेटी ने माँ को वादा किया था तो उसने सब कुछ लिखित में दिया उसने अपने उन मामा को ये चीज लिख के दी कि वो हर साल उनको एक राशि जो है जो तय राशि है वो हर साल देती रहेगी पर उसने आगे जाकर जैसे ही वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे हुई उसने अपना वादा पूरा करने से मना कर दिया जब पूरा करने से मना किया तो जब कोर्ट में ये मामला गया तो इस लड़की की तरफ से या बेटी की तरफ से ये तथ्य रखा गया कि जो अनुबंध था वो तो उसकी माँ और उसके बीच में हुआ था क्योंकि यहाँ पर कोर्ट में उसके जो अंकल थे जो मामा जी थे वो उसको लेके गए कि भाई इसने वादा किया और पूरा नहीं किया तो ये कहती है कि अनुबंध तो मेरे और मेरी माँ के बीच में हुआ है मेरे और मेरे मामा जी के बीच में कोई अनुबंध तो है नहीं हाँ मैंने उनको जरूर वादा दिया है बट उनकी तरफ से क्या है वादा है उन्होंने तो मुझे कोई वादा नहीं किया और हमने इतनी बार तो यही देखा यही पढ़ा कि जब हम बात करते हैं प्रतिफल की या ये प्रतिफल की या कंसिडरेशन की, की ये तो दोनों साइड से होना चाहिए या वादा जो है ये तो दोनों साइड से होना चाहिए अगर दोनों साइड से नहीं है सिर्फ एक ही साइड से है तो उसका रिजल्ट क्या होगा मैं आपको बताती हूँ कि उसका रिजल्ट क्या होगा उसे कहते हैं बे प्रॉमिस यानी कि एक तरफिया वादा एक तरफ से किया गया वादा है दूसरी तरफ से कोई वादा नहीं किया गया जब एक ही तरफ से दिया गया वादा है तो अनुबंध कैसे बनेगा पर इसके कुछ एक्सेप्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे आगे समझेंगे पर अभी के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर केस में आगे क्या हुआ तो जब बेटी ने यह तथ्य रखा कि अनुबंध तो मेरे और मेरी माँ के बीच में था मेरा और मेरे अंकल के बीच में तो कोई अनुबंध हुआ ही नहीं तो मुझे तो कोर्ट नहीं बोल सकती कि मुझे अपना वादा पूरा करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा मेरी माँ चाहे तो मेरे अगेंस्ट अगर कोई खिलाफ कोई अगर कोर्ट जाना चाहती है तो वो बात अलग है अनुबंध हम दोनों के बीच में है पर ये कैसे जा सकते हैं तब कोर्ट ने या न्यायालय ने ये बोला ये निर्णय लिया कि देखिए हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट आप सही कहते अनुबंध अगर आप ये बोलो कि आपकी माँ और आपके बीच में था पर आपके और आपके मामा जी अंकल के बीच में भी तो हुआ है ना आपकी तरफ से आपने उन्हें प्रॉमिस दिया उनकी तरफ से जो कंसीडरेशन था या प्रतिफल था वो तो आपकी मां ने आपको दे दिया वो प्रॉपर्टी तो बात यही हुई कि जो स्ट्रेंजर है यानी कि जो तीसरी पार्टी है वो भी आपके बिहाफ पर कंसीडरेशन या प्रतिफल दे सकती है मतलब कि ठीक है हम दोनों के बीच में हुआ आप ये नहीं कह सकते तो वादा था मैंने तो लिख के दे दिया अंकल ने मुझे क्या दिया उनकी तरफ से प्रतिफल आपको मिल गया है उस प्रॉपर्टी के रूप में जो आपकी मां ने आपके नाम पे की है तो न्यायालय ने या कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि बेटी को बेटी ने जो वादा किया था कि वो हर साल एक राशि देगी उसको वो देनी पड़ेगी तो ये कोर्ट ने निर्णय लिया यहाँ पर और जैसा मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लॉ में ये जो आपका टॉपिक ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रतिफल की गोपनीयता ये लागू होता है हमारे यहाँ भारत में ये नहीं लागू होता अब हम पढ़ेंगे संविदा की गोपनीयता यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध का उल्लंघन होने पर अनुबंध के लिए अजनबी मुकदमा नहीं कर सकता है यानी कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि थर्ड पार्टी कैन नॉट स मतलब मेरे और आपके बीच में अगर अनुबंध हुआ है हमारे बीच का मसला हमारे बीच में मामला है मैंने आपसे कोई वादा किया वो पूरा नहीं किया तो कोई तीसरा इंसान क्यों कोर्ट जाएगा मैंने वादा किया आपने मुझे वादा किया मैंने पूरा नहीं किया मैंने अनुबंध का उल्लंघन किया है पर अगर ऐसे स्थिति में आप मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो तीसरा बंदा कोई क्यों लेगा तो संविदा की गोपनीयता का यही, है, यही मतलब है कि जो जो दो दो व्यक्ति या जो दो पार्टी एक अनुबंध में बनते हैं आगे जाके दोनों में से कोई एक अगर अपना वादा नहीं पूरा करता तो दूसरा वाला दूसरी पार्टी या उस अनुबंध में बंधा दूसरा व्यक्ति ही पहले व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट जा सकता है मुकदमा कर सकता है और प्रार्थना कर सकता है कि कोई कानूनी उपचार किया जाए हमारे जो भारतीय कानून है तो हम भारतीय कानून में अनुबंध की गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करते हैं मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले ये चीज बताई कि जब हम प्रतिफल की गोपनीयता के बारे में बोलते हैं तो भारत में प्रतिफल की गोपनीयता नहीं लागू होती यानी कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं मान्य है पर संविदा की गोपनीयता मानी जाती है यानी कि दो लोगों के बीच का अगर मामला है तो तीसरे का कोई उसमें कोई रोल नहीं बनता उसका कोई भाग नहीं है वो बीच में आकर कोर्ट नहीं जा सकता ये कोई क्राइम नहीं हुआ है कि मेरे सामने हुआ मेरे सामने किसी ने किसी को मार दिया तो मैंने जाके एफ कराई क्योंकि मैंने तो देखा वो चीज होते हुए तो ऐसा नहीं है यहाँ पर यहाँ पे जिन दो व्यक्तियों के बीच में या जिन दो पार्टियों के बीच में वो अनुबंध हुआ है उन्हीं में से ही कोई कोर्ट जा सकता है और एक्शन लेने के लिए कोर्ट से प्रार्थना कर सकता है कोर्ट से कोई तरह का रिलीफ मांग सकता है या उपचार का उपचार को लेके प्रार्थना रख सकता है लेकिन अपवादों के साथ अब ये चीज भी आपको देखनी है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम मानते जरूर है पर जब हम बात करते हैं अपवादों या एक्सेप्शन की तो आप ये समझिए कि बहुत बार कई किताबों में कई बड़े बड़े ऐसे जो, जो संविदा के जो विद्वान हैं उन्होंने ये चीज़ बोली है कि ये जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसको इत, इसके इतने ज्यादा अपवाद जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इतने सारे अपवाद एग्जिस्ट करते हैं कि इस जो ये संविदा की जो गोपनीयता हम कह रहे हैं गोपनीयता तो रही ही नहीं प्रिविटी रही नहीं जैसे कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं अपवाद जैसे कि यानी कि एक्सेप्शन जैसे कि ट्रस्ट पारिवारिक निपटान दैट इज फैमिली अरेंजमेंट एक अनुबंध का असाइनमेंट एस्टोपल भूमि के साथ चलने वाली वाचा एक आपने सुना होगा ट्रस्टी बेनिफिशियरी एक ट्रस्टी बेनिफिशियरी का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे एक ट्रस्ट बना मैं उस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी अब मैं चाहे मैं, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में समझिए चलिए मैं आपको बहुत ही साधारण एग्जाम्पल देती हूँ ट्रस्टी बेनिफिशियरी एक नाबालिग व्यक्ति है एक माइनर जिसे हम कहते हैं वो वो है बेनिफिशियरी है और उसके भी आप पे उसका कोई गार्जियन या उसका कोई संबंधी उसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रख रहा है क्योंकि जब तक वो 18 से ऊपर नहीं हो सकता तब तक वो कुछ नहीं कर सकता वो उस प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता अब वो ट्रस्टी जो है उस प्रॉपर्टी को अगर बेचना चाहे या कुछ करना चाहे तो क्या तब ये बेनिफिशियरी कोई एक्शन उठा सकता है क्यों नहीं उठा सकता बिल्कुल उठा सकता है प्रॉपर्टी तो उसी की है वो प्रॉपर्टी उसी की है जो, जो उसका रखवाला है प्रॉपर्टी का ट्रस्टी तो रखवाला ही हुआ जो उस प्रॉपर्टी का रखवाला है वो उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेचना चाह रहा है उसके पास कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है ये करने का क्योंकि माइनर है हाँ हम ये जरूर पढ़ते हैं संविधा में कि माइनर जो है या जो ऐसा नाबालिग है या जो अठारह की आयु से कम है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता वो किसी के साथ अनुबंध में नहीं बन सकता पर जहां उसके हित की बात आती है तो वहां पर वो जरूर कोर्ट से जाके प्रार्थना कर सकता है तो वही चीज है कि ये ट्रस्टी जो है रखवाला जो है वो प्रॉपर्टी किसी को बेच रहा है तो अनुबंध दोनों के बीच में हुआ पर या वो ये, वो ये ऐसा चलिए हुआ भी नहीं अभी पर होने वाला है पर क्या उस टाइम पे जो ये माइनर है या जो ये बच्चा है ये कोर्ट जाके उस चीज को रोकवा सकता है बिल्कुल रुकवा सकता है क्यों नहीं रुकवा सकता ये हक उसको कानून देता है ये अधिकार उसको कानून देता है क्यों क्योंकि आपने ये देखा कि जो संविदा की गोपनीयता है उसके कुछ अपवाद भी हैं कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहां पर आप अनुबंध में नहीं बंधे हुए हो पर फिर भी आप जो है अपने अधिकार के लिए कोर्ट जा सकते हो मैंने आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे लास्ट में एंड पे एक केस का नाम लिखा है जिसका नाम है नवाब ख्वाजा मोहम्मद खान बनाम नवाब हुसैनी बेगम मैं आपको बहुत छोटा में करके बताती हूँ कि इस केस में आखिर हुआ क्या था कि कोर्ट तक जाना पड़ा क्योंकि ये दो जो नाम आप यहाँ देख रहे हैं नवाब ख्वाजा मोहम्मद खान और नवाब हुसैनी बेगम ये ससुर और बहू के बीच में केस है तो ये हुआ क्या ज़रा उसको समझते हैं जब ये जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं नवाब हुसैनी बेगम ये लड़की और जिनसे इनकी शादी हुई वो दोनों नाबालिग थे तो एक अनुबंध हुआ था उस लड़की के होने वाले ससुर और उसके पिता के बीच में जिसके अंतर्गत जो होने वाले ससुर थे उन्होंने एक वादा किया था वो वादा ये था कि वो जब से जिस दिन से उनका विवाह होगा जिस दिन से उनकी शादी होती है उस दिन से वो अपनी बहू को हर महीने एक खर्चे के नाम पे एक आ, कुछ पैसे हर महीने देंगे पर वो खर्च ए पाणान जो इस केस में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है खर्च ए पांडान वो उस लड़की के खुद के खर्चे के लिए था वो उस पैसे को कैसे भी खर्च करे तो ये वादा किया गया अब इनकी शादी हुई दोनों बच्चों की शादी के कुछ टाइम बाद मतलब जब वो बालिक हो गई तब वो जाके जब अपने पति के साथ रहने लगी कुछ टाइम बाद कुछ टाइम तक वे लोग साथ रहे सब अच्छे से पर कुछ टाइम बाद वो वहां से चली आई और अपने माता पिता के साथ रहने लगी तब से उसके ससुर ने उसको जो वादा किया था वो हर महीने कुछ पैसे देने का वो वादा पूरा नहीं किया वो उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया वो कोर्ट गई अब आप देखिए जो अनुबंध बना था वो किसके बीच में था उस लड़की के ससुर और उस लड़की के पिता के बीच में उसके बीच में और उसके ससुर के बीच में नहीं था उन दोनों के बीच में था पर क्या वो कोर्ट जा सकती है बिल्कुल जा सकती है। शादी हो जाएगी तो इसी को हर महीने वो पैसे मिलेंगे अब अगर नहीं मिल रहे तो इसका पूरा अधिकार बनता है जो कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सेप्शन है जिसे हम कहते हैं कि आपके हित में बना हुआ अगर कोई अनुबंध है चाहे बना हुआ अगर टूटता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं तो यही हुआ यहां पर भी ये लड़की जब कोर्ट गई, तो कोर्ट ने इसी के ही पक्ष में फैसला दिया कोर्ट ने ये बोला क्योंकि जो उनके ससुर थे उनकी तरफ से रखे गए तथ्य ये थे कि वो कि वो लड़की अब साथ में नहीं रहती और आ, मैंने तो ये वादा किया था कि जब तक साथ में रहेंगे जब तक शादी करने के बाद जब तक ये साथ है तब तक मैं ये पैसे दूंगा अब तो वो साथ भी नहीं रहती छोड़ के चली गई अपने पति को इसीलिए मैंने देने से बंद कर दिया और उसके चरित्र के खिलाफ भी उन्होंने काफी चीजें बोली पर कोर्ट ने एक चीज बोली कि सबूत क्या है आपके पास जाहिर सी बात है उनके पास कोई सबूत नहीं था जब बल्कि एक चीज थी कि चाहे वो लड़की अपने माता पिता के साथ रह रही थी अलग भी रह रही थी पर उसका पति उससे मिलने आता जाता रहता था और उनके संबंध सही थे उनमें कोई दिक्कत नहीं थी तो कोर्ट ने ये बोला कि वादा की अनुबंध तो बना है चाहे दो दूसरे व्यक्तियों के बीच में बना है इस लड़की के ये लड़की पार्टी नहीं थी पर फिर भी इसके हित में बना था इसके अधिकार को लेके बना था तो ये कोर्ट जा सकती है और प्रार्थना कर सकती है कि कोई कानूनी उपचार किया जाए अब हम समझते हैं वैध प्रतिफल यानी कि जिसे हम कहते हैं लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन उसका मतलब क्या है धारा तेईस यानी कि सेक्शन ट्वेंटी थ्री जो है आपके भारतीय संविधा अधिनियम अठारह बहत्तर में वो वैध प्रति वह वैद प्रतिफल के बारे में चर्चा करता है कहते हैं कि कौन से प्रतिफल और उद्देश्य वैध है और क्या नहीं यानि कि कौन सा कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल माना जाता है और कौन सा नहीं माना जाता सेक्शन ट्वेंटी थ्री यानि धारा तेईस जो है वो आपको बताती है कानून द्वारा निषिद्ध यानी कि फॉरबिडन बाय लॉ कोई ऐसी चीज को लेके अनुबंध बनाना जो चीज कानून में forbidden है कानून आपको वो चीज करने से मना करता है जो कि आप देख सकते हैं लिखा है कानून द्वारा निषिद्ध फॉरबिडन या ऐसी प्रकृति का है कि यदि अनुमति दी जाती है तो यह किसी भी कानून के प्रावधानों को पराजित करेगा यानी कि अगर कोई ऐसे टर्म्स कंडीशंस आप एक अनुबंध में डालते हैं जो सीधा सीधा कानून के खिलाफ नहीं है पर अगर वो मान ली गई तो वो इनडायरेक्टली कानून के खिलाफ जाएंगी। या धोखाधड़ी धोखाधड़ी जिसे हम कहते हैं फ्रॉड करना आपने समझिए तीन लोग हैं तीनों ने आपस में एक अनुबंध किया वो ये कि हम किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कुछ फ्रॉड करेंगे यानी कि कोई धोखाधड़ी करेंगे और वहाँ से जो भी पैसा आएगा हमारे हाथ हम तीनों आपस में उसका बंटवारा कर लेंगे अब ऐसा तीनों ने किया आपस में पैसा आ गया उन्होंने एक व्यक्ति के साथ धोखा किया और उस उससे उन्हें पैसा मिल गया अब जब बंटवारा करने की बात आती है तो उनमें से दो जो है वो आपस में बंटवारा कर लेते हैं तीसरे को कुछ नहीं मिलता क्या ये तीसरा व्यक्ति न्यायालय जा सकता है कोर्ट जा सकता है कह सकता है कि लॉफुल कंसिडरेशन है ये कोर्ट बोलेगा आप जाइए क्योंकि सबसे जरूरी ये है कि जब आप कोर्ट जाते हैं एक चीज हमेशा बोली जाती है कि अगर आप कोर्ट से जाके जस्टिस बोल मांग रहे हैं तो आप खुद अपनी गिरेबान में पहले झांकिए कि आपने तो कुछ गलत नहीं किया है अगर आपने कुछ गलत किया है कोई ऐसी चीज़ करी है जो कानून के खिलाफ है तो कोर्ट कभी भी आपकी सहायता नहीं करेगा फिर आप जस्टिस भूल जाइए तो यही चीज है कि आपको वो पैसा धोखाधड़ी से मिलता है मिला है तो आप जाके कोर्ट में कैसे क्या गुहार लगाएंगे कि भाई धोखाधड़ी से मिला था पैसा आप अगर ये भी बोले कि पैसा हमने आपस में बांटना था पर इन दोनों ने बांट लिया मुझे नहीं दिया कोर्ट सबसे पहली चीज पूछेगा पैसा किसका है आपके पास कैसे आया तो उसका जवाब आपके पास है कि साहब धोखाधड़ी से आया है तो फिर कोर्ट आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता फिर है या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को चोट पहुंचाना या उसका अर्थ है राइट जिसका मतलब ये है कि अगर जैसे मैंने आपको एक अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया कि आपने किसी को जिसे जिसे आप ये फिल्मी भाषा में सुपारी कहते हो कि आपने किसी को पैसे देने की एक वादा किया है कि मैं इतने पैसे दूंगा जाइए आप जाके उसके हाथ पैर तोड़ के आओ उससे तोड़ दिया हाथ पैर आपने पैसे देने से मना किया तो यही चीज लिखी है यहाँ पर कि आपने किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने का वादा किया है एक मैं अनुबंध नहीं बोलूंगी समझौता जो किया आपने जो अग्रीमेंट हुआ आप दोनों के बीच में क्योंकि देखिए ये अनुबंध तो है ही नहीं मैं एक चीज आपको जो बता रही हूँ अच्छे से समझिए कि जब हम ये कहते हैं वैध प्रतिफल जहाँ भी प्रतिफल जो है वो वैध नहीं होगा लीगल नहीं होगा लॉफुल नहीं होगा वहां हम अनुबंध नहीं बोलेंगे वहां वो सिर्फ एक समझौता है एक ने प्रस्ताव दिया दूसरे ने स्वीकार किया क्या बना समझौता पर क्या वो समझौता अनुबंध हो सकता है इसका जवाब है नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि लॉफुल नहीं है और जो सेक्शन टेन यानी कि धारा दस है आपकी भारतीय संविधा अधिनियम के तहत वो ये कहती है कि कंसिडरेशन यानी कि जो प्रतिफल है वो लॉफुल होना चाहिए तभी एक समझौता जो है वो अनुबंध बन सकता है वरना नहीं बन सकता तो ये जितने भी आपको यहाँ पे लिखे गई जो एग्जाम्पल्स uh, है ये सब जो है आपको धारा तेईस के अंदर मिलेंगी और ये सब वो है कि जब जब समझौता जो है वो अनुबंध नहीं बन पाया क्यों क्योंकि जो प्रतिफल था वो वैध नहीं था ये हमारा समझना बहुत जरूरी है या न्यायालय इसे अनैतिक या सार्वजनिक नीति का विरोध करता है मतलब कि कोर्ट उसे इमोरल मानता है या फिर वह चीज पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है जिसका आपने करप्शन के बारे में तो बहुत सुना है तो वही आप किसी को कि किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू होने वाले हैं और आप वहां पे काम करते किसी व्यक्ति को या जो भी कमिटी है उन्हें घूस दे दे पैसा दे दे और वो सीट वो नौकरी खरीद ले आपने पैसा दे दिया पर आपको जैसे वादा किया गया था कि वो नौकरी आपको मिलेगी नहीं मिली क्या आप कोर्ट जा सकते हो जवाब है नहीं क्यों क्योंकि वो सार्वजनिक नीति का विरोध यानी कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है पब्लिक पॉलिसी का मतलब ही यही है कि सब व्यक्तियों को सब व्यक्ति जो है वो कानून की नजरों में एक समान है और अगर हमारी जो गवर्नमेंट है अगर हमें कुछ भी देती है कोई भी अगर नौकरी का इश्तेहार भी निकालती है तो अगर हम उसका जो क्राइटेरिया है वो पूरा करते हैं तो हमारे सबके पास अधिकार है कि हम वो नौकरी के लिए अप्लाई कर सके तो वही चीज है पब्लिक पॉलिसी मतलब सबके पास इक्वल राइट right है प्रतिफल के अपवाद ये समझना आपके लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये कहता है कि अब तक हम हमेशा ये बोलते आए हैं कि जब हम प्रतिफल कह रहे हैं तो दोनों पार्टियों की तरफ से कुछ ना कुछ वादा होना चाहिए कुछ ना कुछ दोनों पार्टी दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए करेंगे या एक दूसरे को देंगे पर तभी एक अनुबंध हो सकता है वरना अनुबंध नहीं हो सकता हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा बेर प्रॉमिस जिसे न्यूडम पैक्टम भी बोला जाता है लैटिन में आपको अपनी लॉ की किताबों में बहुत दिखेगा कानून की सब किताबों में जो संविधा पढ़ाती हैं वो ये दिखेगा न्यूडम पैक्टम यानी कि एक व्यक्ति वादा कर रहा है दूसरा व्यक्ति कोई वादा ही नहीं कर रहा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ऐसी स्थिति में हम कहते हैं भाई बेयर प्रॉमिस है न्यूडम पैक्टम है एक ही व्यक्ति ने वादा किया दूसरे व्यक्ति ने तो नहीं वादा किया तो अनुबंध तो नहीं है भाई पर जो धारा 25 है यानी कि सेक्शन 25 है भारतीय संविदा अधिनियम में वो उसके अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस के बारे में बताता है वो एक्सेप्शंस तीन है सबसे पहले तो एक चीज आप ये देखिए प्रतिफल के बिना एक समझौता अमान्य होता है यानी कि अग्रीमेंट जो है वो एक प्रतिफल यानी कि कंसीडरेशन के बिना वॉइड होता है अमान्य होता है उसका कोई वजूद नहीं है ठीक पर अब हम आते हैं धारा 25 में जो एक्सेप्शन बताती है जो कहती है हाँ भाई ये तो ठीक है कि अगर प्रतिफल के बिना किया गया समझौता है तो अमान्य है पर स्थिति में तीन ऐसे एक्सेप्शन तीन ऐसे अपवाद आते हैं जो ये कहते हैं कि अगर एक तरफा भी है प्रतिफल जो है वो एक तरफा भी है तब भी वो मान्य है तब भी वो अनुबंध बन सकता है देखते हैं कि वो क्या क्या है सबसे पहला जो है वो ये कहता है कि जिसे हम बोलते हैं गिफ्ट गिफ्ट आपने तोहफा तो आप ये समझिए आपने अपनी जमीन किसी को बेच किसी को गिफ्ट दी बेची नहीं गिफ्ट दी तोहफा दिया क्या वो गिफ्ट या तोहफा सिर्फ नाम मात्र से अनुबंध है नहीं पर वो गिफ्ट कब का बकायदा कानूनी कार्रवाई से सब बनाया यानी कि कागजात है लिखित में है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी का आपने अपनी जमीन को तोहफे के रूप में इस व्यक्ति को दिया देने का निर्णय लिया है और दूसरी वो चीज जो है उस पंजीकृत यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन भी है वो जो आपका वादा है जो अग्रीमेंट हुआ है दोनों पक्षों के बीच में अग्रीमेंट तो खैर क्या ही है गिफ्ट है एक तरफा है आपने उसको लिखित में दिया है साइन है आपके हस्ताक्षर है और रजिस्टर्ड है और एक चीज ये भी समझिए कि वो आपके किसी नियर रिलेशन में ही होना चाहिए किसी सड़क चलते को आप पकड़ के अपनी जमीन में दे दे उसकी बात नहीं कर रहे हम आप ही के ही कोई परिवार का कोई आपका ऐसा पास का रिश्ता जिसमें आपने आप बहुत प्रेम है आप दोनों के बीच में आप उसको बहुत ही प्यार करते हैं तो उसके अंतर्गत उसकी वजह से आपने अपने जमीन का तोहफा या जमीन को तोहफे के रूप में उसके नाम किया है अब वो लिखित में है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है किसी ऐसे व्यक्ति को दिया है आपने वो जो आपका नियर रिलेशन में है और चौथा आउट ऑफ कहते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन जोर जबरदस्ती से यहाँ जिसे कहते हैं ना पिंड छुड़ाने के लिए नहीं है आप उसको बहुत पसंद करते हैं आप उसकी मदद करना चाहते हैं या जो भी तो आप उसको वो तोहफा देना चाहते हैं वो गिफ्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब ऐसे में समझिए अगर आपने इतने बड़े वादे कर दिए लिख लिखित में दे दिया रजिस्टर करा दिया नियर वो नियर रिलेशन भी है नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी है अब आप पीछे हट जाएंगे सब हो गया अब आप पीछे हट जाओ कि गिफ्ट है मैं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं उसकी तरफ से क्या है कोर्ट बोलेगा पढ़िए धारा 25 भारतीय संविधान अधिनियम वहां क्लियर लिखा है कि एक गिफ्ट भी जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है वो तब बन सकता है जब लिखित भी हो गया रजिस्ट्रेशन भी हो गई उसकी हमारे भारत में कानून है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है तो वो रजिस्टर भी हो गया सारी जो भी कंडीशंस है वो 25 के पहले सब सेक्शन में जो लिखा है सब पूरा हो रहा है तो अगर आपने वादा किया है तो अब तो आपको वो जमीन गिफ्ट में देनी ही पड़ेगी दूसरी चीज दूसरी चीज के बारे में वो कहता है किसी काम की भरपाई करने का वादा पास्ट वॉलेंटरी सर्विस पास्ट माने हो चुका है वॉलेंटरी मीन्स अपनी मर्जी से सर्विस मतलब किसी ने पहले कभी अपनी मर्जी से आपके कहने पर नहीं देखिए पास्ट कंसिडरेशन में होता है कि आपके कहने से किसी ने आपके लिए कुछ किया था और अब आप उसके लिए कुछ कर रहे हो वो पास्ट कंसिडरेशन है आपने उसी के कहने पर ही तो किया था ना यहां पर यह कह रहा है कि भाई दो व्यक्ति हैं जो पहला व्यक्ति है उसने पहले अपनी मर्जी से कभी आपके लिए कुछ काम किया है और आपने उसके काम से खुश होके अब उसे वादा किया है कि भाई मैं आपका बहुत आभारी हूं आपने मेरे लिए ये किया अब मैं आपको कुछ समझिए कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूं तो वो है मतलब समझिए जैसे मेरा पर्स चोरी हो जाए ना हो वैसे बट अगर हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को मेरा वो पर्स मिल गया मानिए कि मेरे पर्स में कैश था जो मेरे मेरा कुछ आइडेंटिटी थी उसमें जिससे वो उस व्यक्ति को पता चल गया कि ये बटुआ ये पर्स किसका है उसने मुझे ढूंढ लिया मुझ तक पहुंच गया और मुझे वो पर्स मेरा वापस कर दिया मैंने बहुत खुश हो मैं अगर उसको वादा किया कि भाई आपने मेरे लिए किया अब मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि मैं आपको इनाम के तौर पे इतने रुपए दू तो है पास्ट सर्विस अब आप यही नहीं बोल अब अगर मैं पैसे देने से मुकरू मैंने वादा कर दिया है उसको अब अगर मैं मुकरू तो क्या उसमें कुछ एक्शन हो सकता है हाँ हो सकता है ये नहीं कह सकते कि भाई इस मेरी तरफ से तो क्या वादा था मैंने तो क्या किया है वो सामने वाला इनाम दे रहा है पर मैंने क्या किया है मैं कर मैंने कर दिया है अभी नहीं किया आपके कहने पे नहीं किया वॉलेंटरी किया पर आपने खुश होकर मुझे इनाम देने का वादा किया अब अगर आप वो इनाम नहीं दे रहे तो भाई देना तो पड़ेगा क्योंकि कानून कहता है कि चाहे एक तरफा भी है बट अब अनुबंध हो गया क्यों क्योंकि उसने अपनी मर्जी से किया था बट अब आपने अपनी मर्जी से उसको वादा किया है कि मैं ये दूंगा देखिए जरूरी तो है नहीं कि कोई आपके चीज ढूंढ के लाता है तो आप उसको कुछ दो ही जनरली क्या करते हैं ज्यादातर हम आमतौर पे उसको धन्यवाद बोल देते हैं कि हम बहुत आभारी आपने बहुत हमारे लिए ये कर दिया वो कर दिया बस बहुत ही कभी होगा कि आप उसको कुछ दो देना भी चाहोगे तो यहाँ तो तुरंत दे दोगे यहाँ हम बात कर रहे हैं वादे की ये समझना जरूरी है वादा किया है तो यहां पे उसको आपको निभाना पड़ेगा क्योंकि ये ये जो धारा है पच्चीस वो कहती है तीसरा तीसरा जो सबसेक्शन है यहां पर वो कहता है परसीमा कानून यानी कि लिमिटेशन लॉ द्वारा वर्जित ऋण का भुगतान करने का वादा मानी कि टाइम बार डेट टाइम बार डेट क्या होता है और सबसे पहले तो ये सीमा कानून का क्या मतलब है देखिए लिमिटेशन एक्ट जो है इंडिया में उसका मतलब ये है कि देखिए अगर आज आपके और मेरे बीच में एक अनुबंध हो जाए ठीक है और मैंने अब उस अनुबंध के तहत जो मेरा वादा है वो आज से एक हफ्ते बाद पूरा करना है एक हफ्ते के बाद की तारीख आ गई मैंने मना कर दिया अपना वादा पूरा करने से ये जो लिमिटेशन एक्ट है भारत में वो ये कहता है कि अलग अलग तरह के ऐसे जो अनुबंध हैं या अलग तरह के ट्रांजैक्शंस जो हो गए उनमें अगर कुछ ऐसा विवाद उत्पन्न होता है तो कोर्ट जो है आप कब तक जा सकते हैं मतलब देखिए जैसे मैंने आपको बताया अगर हमारे बीच में आज अनुबंध हुआ मैंने अपना वादा तोड़ दिया अब सामने वाला व्यक्ति जाहिर सी बात है मेरे खिलाफ एक्शन तो लेगा कोर्ट जान, जाना चाहेगा अब वो कोर्ट कितनी सा, उसके पास क्या समय सीमा है वो कब तक कोर्ट जा सकता है वो लिमिटेशन एक्ट बताता है उदाहरण के तौर पे चलिए कुछ सेल से रिलेटेड मामला था अब मान लीजिए कि लिमिटेशन एक्ट कहता है कि एक साल तक का समय है आपके पास कोर्ट जाने का मतलब अगर आज मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मेरे पास अब से एक साल का समय है मैं कोर्ट जाऊं अब उस एक साल में अगर मैं कोर्ट नहीं जाती क्या उसके बाद मैं कोर्ट जाऊं तो कोर्ट मेरी मदद करेगा अब उस पर भी है एक एक्सेप्शन बट हम उस पर बाद में आएंगे पर जानना ये जरूरी है कि लिमिटेशन लॉ कहता है कि भाई एक समय सीमा है आपको वो मानना ज़रूरी है एक साल का टाइम है आप कोर्ट जाइए एक साल के अंतर्गत अगर आप कोर्ट नहीं गए तो क्या होगा टाइम बार डेट का मतलब मैंने किसी से लोन लिया उस लोन को सब पूरा वापस देने का समय आ गया पर मैं मैंने वो वापस समय से नहीं दिया अब सामने वाला व्यक्ति उसके पार्ट पे उसके तरफ से ये गलती हुई कि वो टाइम से कोर्ट नहीं गया तो क्या हुआ टाइम बार डेट मैंने जो लोन लिया था डेट लिया था अब वो टाइम बार हो गया मतलब उसको कोर्ट जाना था एक साल के भीतर वो नहीं गया अब क्या होगा क्या वापस से उसको वो पैसा जो लोन उसने मुझे दिया वो मिल सकता है या नहीं यहाँ ये लिखा है कि मान लीजिए ऐसा हो कि मैंने लोन लिया और उसे समय पर नहीं दिया सामने वाला कोर्ट भी नहीं गया पर मुझे उस टाइम पे शायद मेरी नहीं ऐसी स्थिति थी कि मैं वो लोन वापस कर पाऊँ पर अब मैं वापस कर सकती हूँ डेट तो वो टाइम बार हो चुका है वो कोर्ट नहीं जा सकता पर मैं अगर उसको अब जैसे कि लॉ कहता है लिखित में दे दूं कि भाई मैंने आपसे इतने रुपए लिए थे और आज समझिए कि भाई एक लाख रुपए लिए थे और आज मैं आपसे लिखित में ये वादा करती हूँ एक लाख के बदले में जो आपने मुझे दिया था मैं आपको पचास हजार रुपये इस तारीख को दूंगी तो अब मैंने तो लिख के दे दिया अब वो वन साइड प्रॉमिस ही हुआ एक ही तरफ से वादा है उसने तो कुछ नहीं दिया अभी मुझे पर उसने पहले मुझे दिया हुआ है ना मेरे को डेट तो दिया था लोन तो दिया है पर मैं कोर्ट नहीं अब टाइम से वो कोर्ट ही नहीं अगर टाइम से जा पाया पर उसका मतलब ये नहीं कि रेमेडी खत्म हो जाती है ये है कि लीगल रेमेडी खत्म हो गई कोर्ट नहीं जा सकते पर ऐसे में अगर अब मैंने लिखित में दे दिया तो अब मैं बंद चुकी हूं अब एक ये नया अनुबंध आ गया मतलब अब अगर मैंने उसको ये बोला है कि एक लाख रुपए की जगह अगर मैं आपको आ, जो है पचास हजार रूपए दूंगी और समझ लीजिए मैं एक मार्च को दूंगी तो अब अगर मैं एक मार्च को वो पचास हजार रूपए ना दूं तो वो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है मेरे खिलाफ वो एक लाख रुपए वसूल नहीं कर सकता पर मैंने उसको दोबारा से एक वादा किया है लिखित में कि भाई अब क्योंकि अब वो लोन जो है वो समय सीमा पर कोर्ट नहीं जा पाया पर अब अब ये वादा तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर अब भी मैं ये पचास हजार रुपये उसको टाइम से या समय से नहीं दे पाती हूँ तो वो व्यक्ति कोर्ट जाएगा और अब की बार अगर वो समय से कोर्ट चला गया तो मान लीजिए कोर्ट मुझे फोर्स करेगा कि मुझे उसके वो पैसे उसके वो रुपए जो मैंने लिए हैं वो वापस करने हैं ये ध्यान में रखना जरूरी है तो अब हमने इस व्याख्यान में ये समझा कि प्रतिफल की परिभाषा क्या है इन जनरल भी और भारतीय संविधान अधिनियम के तहत भी वैध प्रतिफल क्या क्या मतलब होता है और जो हम प्रतिफल के अपवाद के बारे में बात करते हैं उसका क्या मतलब है और प्रतिफल किस किस प्रकार के होते हैं ये भी सब हमने हमने समझा और इसी के साथ साथ मैं ये व्याख्यान को समाप्त करती हूँ धन्यवाद